आज भारत देश की सभ्यता प्राचीन काल से बहुत ज्यादा विकसित है। शायद आपको भी यही लगता होगा कि पुराने समय में लोग सोच के लिए बाहर जाते होंगे और खुले में ही अपना काम कर लेते होंगे, लेकिन नहीं, उस समय की परिस्थितियां आज के मुकाबले से ज्यादा बेहतर थी। आपको पुराने महलों में छोटे कमरे मिल जाएंगे जो पहले टॉयलेट हुआ करते थे। जरा इस पर नजर डालें। बूंदी में स्थित या राजस्थान के किले का शाही टॉयलेट है। इस टॉयलेट का इस्तेमाल सिर्फ राज परिवार करते थे और यह एक बहुत ही सुविधाजनक टॉयलेट था। यही नहीं, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में भी टॉयलेट्स मिले हैं। खुदाई में मिले इन टॉयलेट्स में फ्लश टॉयलेट और नॉन फ्लश टॉयलेट हैं, जिनमें नालियों का जाल भी मिला है जो कचरे को बाहर करने में काम आता था। ये खुदाई में मिला एक ड्राई टॉयलेट है जिसे आज के शौचालय होते हैं। यह दिखने में वेस्टर्न टॉयलेट जैसा है, लेकिन यह प्राचीन काल से इस्तेमाल किया जा रहा है और वो भी 5000 साल पहले से। है ना कितनी हैरानी वाली बात। इन सभी खोजों से यह ज्ञात होता है कि भारत के लोग प्राचीन काल से स्वच्छता का ध्यान रखते थे और सुव्यवस्थित जीवन जीते थे। पिछले समय में राजा और रानी या पूरे राज परिवार के लिए महल में ही शौचालय बना होता था। कभी किसी महल में जाना हो तो जरूर देखकर आइएगा, आपको पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी। उन कमरों में छोटी खिड़कियां भी होती थी और मशाल जलाकर रखने की जगह भी, ताकि उन्हें अंधेरे का एहसास ना हो। वहां पानी की भी उचित व्यवस्था होती थी, जिनमें ठंडा और गर्म दोनों पानी होते थे। पुराने समय में राजा और रानियों के लिए लंबे चौड़े राजमहल में विशेष व्यवस्था होती थी। उनके लिए जिस प्रकार मुख्य महल से अलग स्नानघर होता था, वैसे ही बड़े नुमा शौचालय भी हुआ करते थे, और सोच के बाद वो उस अपशिष्ट पर मिट्टी या राख डाल दिया करते थे जिससे गंदगी नहीं फैलती थी। लेकिन धीरे धीरे जगह छोटी होती गई तो एक ही भवन में शौचालय का निर्माण होने लगा। इसकी सफाई के दो तरीके थे, या तो स्वच्छता कर्मी प्रतिदिन मल उठाकर नगर के बाहर फेंक आए, या फिर उन शौचालय में नालियां बनी होती थी जिनमें पानी बहाकर मल को थोड़ी दूर स्थित एक गड्ढे में डाल दिया जाता था। यह कुछ कुछ आज के सीवरेज सिस्टम की तरह ही था। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।